उत्तर प्रदेश के सीतापुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले कई माह से एक मामले में फरार चल रहे गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए गैंगस्टर पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की है। आइए आपको पूरे मामले से रूबरू करा देते हैं। पूरा मामला सीतापुर के तालगांव से जुड़ा होना बताया जा रहा है। दरअसल सीओ लहरपुर सुजीत दुबे के नेतृत्व में तालगांव पुलिस ने पिछले 2 माह से फरार चल रहे बिस्वा इलाके के मियागंज कस्बा निवासी छोटू उर्फ इम्तियाज को अंगीठा तिराहा के पास मोड़ बिस्वा मार्ग से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी एक शातिर अपराधी है। गैंग बनाकर वो गोकशी जैसे अपराधों को अंजाम देता था। मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज है। 2 महीने से आरोपी की तलाश चल रही थी। आरोपी पर एसपी की ओर से 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। सीओ लहरपुर के अनुसार गैंगस्टर की संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को लेकर मामले सामने आने के बाद उसे कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर लहरपुर सीओ सुजीत दुबे का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आज दिनांक 4/3/2023 को थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त छोटू उर्फ इम्तियाज पुत्र असगर निवासी ग्राम मियागंज कस्बा व थाना बिस्वा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह लगभग 2 माह से मुकदमा का संख्या 1/23 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा आज इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह अभियुक्त गोकशी जैसे जघन्य अपराधों को कारित करने में संलिप्त था और पूर्व में भी इसके विरुद्ध इस प्रकार के अपराध पंजीकृत हैं। आज इसकी गिरफ्तारी करके इसके विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इसके विरुद्ध धारा 14(1) के अंतर्गत भी जल्दी की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।